हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। सीटीएच एजुकेशन के एप्लीकेशन पे एक कोर्स को लॉन्च किया गया है जो कंप्यूटर साइंस थर्ड सेमेस्टर के लिए है, और इससे संबंधित काफ़ी कंफ्यूजन है, डाउट है स्टूडेंट्स का। उसी डाउट्स को क्लियर करने के लिए इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है। एक्चुअल में कंप्यूटर साइंस थर्ड सेमेस्टर का न्यू सिलेबस आया है। इसमें 5 पेपर पहले भी थे, अभी भी 5 पेपर हैं, और कुछ पेपर को चेंज कर दिया गया है। जिसमें पेपर आपका पहला है आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, फिर से है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी, उसके बाद आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर है, फिर आपका है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर, और लास्ट है आपका डिजिटल सॉरी वेब टेक्नोलॉजी। तो ये 5 पेपर का आपका स्टडी करना है, जिसमें एक पेपर आपका है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम का क्वेश्चन करना होता है। तो स्टूडेंट के मन में एक सवाल ये रहता है कि जो प्रोग्राम को करना है तो कंप्यूटर पे हम लोग कैसे करेंगे, मोबाइल में कैसे करेंगे, हम कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, कैसे स्टार्ट करेंगे। तो इन सभी क्वेश्चन को लेकर के स्टूडेंट्स के मन में डाउट है। तो आपको ये क्लियर कर दें कि जब CPTC का Unit 1 आप पढ़ेंगे तो वो थ्योरी क्लासेस हैं, जिसमें एल्गोरिथम फ्लो चार्ट लिखना है और सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर जानना है, प्रोग्रामिंग कितने टाइप्स के होते हैं, प्रोग्राम क्या होता है इसके बारे में जानना है। लेकिन जब आप सेकेंड यूनिट पे आएंगे तो वहाँ पे आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग सिखाया जाएगा, और आप थ्योरी कंप्लीट करेंगे जिसका आपको वीडियो मिल जाएगा एप्लीकेशन पे, और उसके बाद जो उसका प्रैक्टिकल जो करेंगे प्रोग्रामिंग, उसको हम लाइव होकर आपका क्लास लेंगे। लाइव क्लास में आपको बताया जाएगा कि आपको कंप्यूटर में कैसे ओपन करना है, किस सॉफ्टवेयर का यूज करना है, प्रोग्राम कैसा लिखना है, और साथ ही साथ आपके सामने हम लिखेंगे उसको एक्सक्यूट करके एप्लीकेशन पे यानी कि कंपाइलर पे हम आपको शो कराएंगे कौन कौन से कंपाइलर आपको सी में यूज कर सकते हैं, और आप अपने मोबाइल में भी उस प्रोग्राम को लिख करके और एक्सक्यूट करवा सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको ये कहा जा रहा है कि आपको उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आप कोर्स परचेज करेंगे तो वो सारी जिम्मेदारी जो है वो मेरी हो जाएगी। आपको कैसे सिखाना है, कैसे कंप्यूटर स्टार्ट करना है, कैसे प्रोग्राम करना है, वो सब हम लाइव होकर के सिखाएंगे और करके भी आपको सामने बताएंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कोर्स परचेज करने से पहले इस नंबर पे आप कॉल करके और अपने डाउट को क्लियर कर लेंगे, और उसके बाद ही आप कोर्स को परचेज करेंगे। साथ ही साथ आप YouTube चैनल है CTH एजुकेशन का, आप उस चैनल पे जा करके प्रीवियस कुछ लेक्चर्स को आप देख लेंगे, जैसे सी प्रोग्रामिंग का है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, तो उस वीडियो को आप देख लेंगे। अगर आपको वो वीडियो समझ में आ रहा है कुछ भी, तभी आप कोर्स को परचेज करेंगे, अदरवाइज आप कोर्स परचेज नहीं करेंगे। ठीक है, रही बात दूसरी सिलेबस का, तो सिलेबस आपका 20 डेज बिफोर पहले कंप्लीट कर दिया, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि 20 दिन पहले आपके एग्जाम से सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा, और जो लास्ट का 20 दिन रहेगा, इस लास्ट के 20 दिन में आपका लाइव क्लासेस होगा ऑल पेपर्स का, और उसमें आपको क्वेश्चन का पैटर्न बताया जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, कुछ गेस क्वेश्चन दिया जाएगा सभी सब्जेक्ट से, उन सभी क्वेश्चन को ड्रिल किया जाएगा, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा, और साथ ही साथ गेस क्वेश्चन दिया जाएगा जिसको आप स्टडी करके जाएंगे तो 70 से 80% क्वेश्चन आपको एग्जाम में वही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ऑफर का। तो आपका जो 5 पेपर है, तो 5 पेपर का 5,000 रुपीज जो है इसका प्राइस है कोर्स का। लेकिन अभी कुछ स्टूडेंट जो है ना कॉल किए और ये बताया कि सर फी बहुत ज़्यादा है, कुछ लोग बहुत कम फी में पढ़ा रहे हैं, तो इस चीज़ को देखते हुए होली का ऑफर आपको दिया गया, और ये ऑफर जो है ना आपको 22 मार्च यानी कि बिहार दिवस है 22 मार्च को, तो 22 मार्च तक ये ऑफर वैलिड रहेगा। 22 मार्च से पहले तक अगर आप परचेज करते हैं तो आपको मात्र 1699 रुपीज में यानी कि 1699 में आप 5ों पेपर आसानी से पढ़ पाएंगे, और उसके बाद अगर आप परचेज करने के लिए सोच रहे हैं तो आपका फी बढ़ जाएगा। ये मिनिमम प्राइस है, इससे प्राइस कभी भी कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा होगा कम कभी भी नहीं होगा, ये मिनिमम है। आपको परचेज करने के बाद क्या मिलेगा, तो
तो यहाँ पे टॉपिक डिफाइन किया गया, टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा। साथ ही साथ इसमें लाइव क्लास का जिक्र नहीं है, सप्ताह में 2 लाइव क्लास आपको मिलेगा, डाउट सेशन। उसके अलावा अगर आपको और लाइव क्लास चाहिए तो आप नंबर पे कॉल कर लेंगे और बता देंगे, तो उसके लिए उस टॉपिक्स के लिए लाइव क्लास अरेंज कर दे जाएंगे। उसके बाद आपको टॉपिक वाइज नोट्स मिलेगा पीडीएफ, और वो चैप्टर वाइज होगा। उसके साथ नीचे में क्वेश्चन का पैटर्न बताया जाएगा, किस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही साथ आपको एमसीक्यू क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से जो है ना, जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं उस क्वेश्चन को आपको दिया जाएगा। और एप्लीकेशन पे ही टेस्ट का जो है ना, वहाँ पे पैटर्न दिया गया है, वहाँ पे फैसिलिटी है टेस्ट, आप वहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, आप वहाँ पे टेस्ट ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। उसके बाद जो है ना, चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट हो ही जाएगा आपको एप्लीकेशन पे। और लाइव क्लास जो होगा, तो स्टार्टिंग के कुछ लाइव क्लास आपके यूट्यूब पे मिलेंगे, और मेरी भी कुछ मजबूरी है कि जो लोग पेमेंट किए हैं वो लोग भी तो अपना कुछ पार्टिकुलर चीज पढ़ना चाहेंगे, तो सभी में लाइव क्लासेस और सभी वीडियो को हम यूट्यूब पे नहीं दे सकते हैं। इसलिए जो है ना, सेशन जो होगा आपको एप्लीकेशन पे होगा। एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर में जाएंगे और प्ले स्टोर में सर्च करेंगे सीटीएच एजुकेशन, तो इस तरह का जो लोगों के साथ आपको सीटीएच एजुकेशन का एप्लीकेशन आएगा। आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आप जाएंगे स्टोर टैब में, स्टोर टैब में जाएंगे तो आपको जो भी कोर्सेस यहाँ पे लॉन्च किया गया है वो सभी कोर्स जो आपको दिखाई देंगे। अगर आप थर्ड सेमेस्टर सीएससी, थर्ड सेमेस्टर अगर सीएससी के स्टूडेंट हैं तो आप निश्चिंत होकर के इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, बाकी सभी जिम्मेवारी मेरी है। इसके अलावा भी अगर कोई आपको डाउट है तो ये मेरा नंबर है 8084370470, आप इस पे कॉल करके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और परचेज करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे सीटीएच एजुकेशन, और वहाँ पे कुछ वीडियो को देखेंगे, अगर आपको ठीक लगता है तभी आप परचेज करेंगे आप एप्लीकेशन पे, अदरवाइज आप परचेज नहीं करेंगे। ओके, तो उम्मीद है कि आपके सारे डाउट का आंसर आप इस वीडियो में मिल गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नंबर पे बेझिझक बेझिझक जो है ना, आप कभी भी कॉल करके हमसे जो है ना, आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।